तो गाइज़ आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जो यहाँ पर जो लाल किला है, लाल किले के बराबर में यहाँ पर मेला लगता है बहुत तगड़ा, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई लाल किले की लाइटें किस तरह से चल रही हैं, कितना अच्छा एक माहौल क्रिएट किया हुआ है। लेकिन अब हम चलते हैं सीधा आगे मेले में, क्योंकि मेला थोड़ा सा आगे है तो हमें आगे चलना पड़ेगा और वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो थोड़ा चल लेते हैं हम पैदल, क्योंकि मेले से बिल्कुल मेले की जो राइट इसके जो हमारा लाल किला है, लाल किले के राइट साइड में पूरा मेला भरा हुआ है। आप देख सकते हैं भाई आगे लाइटें लुटे आपको दिख रही होंगी। तो भाई यहाँ से मेले की लाइटें शुरू हो गई हैं और आई थिंक ये मेले का गेट है, यहाँ से हम अंदर एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई अंदर कौन कौन से यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, कौन कौन सी राइड्स यहाँ पर हम कर सकते हैं। सारी राइड्स मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये है मेले का गेट और यहाँ से हम ले लेते हैं एंट्री, ठीक है, और मैं आपको कंटिन्यू दिखाने वाला हूँ। और ये देख सकते हैं भाई कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर, और हंडोले, किस्ती, मिक्की माउस यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये किस्ती आप देख सकते हैं भाई इधर राइट साइड में, और ये हंडोला आप देख सकते हैं भाई। वाओ, मेरे को एक ट्रेन भी नज़र आ रही है भाई यहाँ पर, ये देख सकते हैं भाई आप। वाओ, अल्टीमेट है भाई, ये मिक्की माउस है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी चलते हैं हम आगे, पूरा मतलब पूरा मेला घुमाने वाले हैं आज हम आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस्ती चल चुकी है और भी हम बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। ये देख सकते हैं भाई यहाँ पर किस्ती, वाओ अल्टीमेट भाई, मज़ा आ गया। क्योंकि भाई मैं सब इन सब चीज़ों में जब छोटा था मैं बहुत झूलता था, लेकिन अब तो जब से मतलब एक होश संभाली है, जब से यहाँ पर हमने जब से जॉब वगैरह किया है, कॉलेज वगैरह ख़त्म हुआ था, मतलब हम राइड्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई प्रॉपर एक मेला भरा हुआ है। वाओ, कितना ऊंचा हंडोला है ये आप देख सकते हैं भाई, और इधर आप देख सकते हैं छोटी किस्ती, ये छोटा हंडोला, और इधर बच्चों के लिए कुछ झूलने वाला आइटम वो आप देख सकते हैं भाई। तो ये देख सकते हैं भाई यहाँ पर एक ट्रेन, वाओ अल्टीमेट अल्टीमेट, ये आप देख सकते हैं। मैं कुछ ट्रेन का विजुअल्स लेने वाला हूँ, बहुत क्लोज़अप शॉट लेने वाला हूँ मैं। वाओ अल्टीमेट भाई, मज़ा आ गया। आप देख सकते हैं भाई कितनी स्पीडली यहाँ पर ट्रेन चल रही है, अल्टीमेट है यार, मतलब एक यूनिकनेस है एक, क्योंकि ये मज़ा बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर लोगों को झूल के। जैसे कि उनकी हंसी है वो आप देख सकते हैं भाई किस तरह से लोग हंस रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं भाई कितना मज़ा ले रहे हैं यहाँ पर लोग। बाकी और सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटी रेल भी है जो नीचे है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बहुत मज़ा यहाँ पर लोग ले रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूँ ये ईद का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। ये बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर, वाओ पढ़ाई यहाँ पर, इसमें बच्चे देखो छोटे छोटे बच्चे पहल मतलब झूल रहे हैं यहाँ पर, कितना अल्टीमेट एक नज़ारा है यहाँ पर, ये देखने वाली चीज़ें हैं। और एक ट्रेन यहाँ पर गोल वाली भी है जो चल रही है इस वक्त, बच्चे बैठे हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर इंजॉय ले रहे हैं बहुत बच्चे, झूल रहे हैं इसके अंदर। और आपको मतलब आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो को देखने में, आपका भी मन कर रहा होगा कि हम भी मतलब लाल किले का जो मेला है हम भी एक बार विज़िट करें, क्योंकि यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है, इतना मतलब यहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर ट्रेन है, यहाँ पर बड़े झूले हैं। और अगर मैं इधर अपने लेफ्ट साइड में बात करूँ तो यहाँ पर एक जादू लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप जादू, एसके सम्राट, ये आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर जादू, और मैं आपको आगे विजिट भी कराने वाला हूँ। वाओ यार ये राइड देखो आप कितनी अल्टीमेट है भाई साहब, बच्चों के लिए बहुत अच्छी राइड है यार, अल्टीमेट है भाई अल्टीमेट, शायद मैंने तो पहली बार देखी भाई, हो सकता है आप लोगों ने भी ये सब चीज़ें पहली बार देखी होंगी। तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर कितनी मतलब फील से यहाँ पर घोड़ों को ऊपर नीचे कराया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं भाई कितना अल्टीमेट यहाँ पर नज़ारा है, ये देखने वाली चीज़ है। वाओ देख सकते हैं भाई, वाओ अल्टीमेट भाई अल्टीमेट, ये सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए है, ये ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह के लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन और है यहाँ पर नीचे, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसी के बराबर में एक हंडोला और है बड़ा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कितना अल्टीमेट मज़ा आ रहा है, और हंडोले में किस तरह से लोग झूल कर आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। ये लाल किले के बराबर में पूरा मेला लगा हुआ है, लाल किले से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। आप मुझे कमेंट्स करके बताना भाई आप लोग कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, और मुझे बताना कि यार आप भी आना चाहते हो यहाँ पर मेले में, और अगर आप आके जा चुके तो मेरे को तब भी कमेंट्स करके बताना कि मतलब मेला घूम के आपको यहाँ पर कैसा लगा,
ये देख सकते भाई कितना बड़ा हंडोला है यार, अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। यहाँ पर कुछ भाई गन से गुब्बारे फोड़ रहे हैं, ये देख सकते हैं भाई आप, ये देख सकते हैं भाई बंदूक से निशाना लगाया जा रहा है। ओ ये आप देख सकते हैं भाई, ये कभी हमने मतलब जब हम छोटे थे, मेरे याद है जब हम 7वीं 8वीं क्लास में थे, हमारे यहाँ पर जो लोकल में मेला भरता था उसमें हमने बहुत गुब्बारे फोड़े हैं। लेकिन ये 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 देख सकते हैं आप ब्रेक डांस भाई, ये बड़ा मज़ेदार ब्रेक डांस, ये इनकी एक राइड है, ये बहुत अल्टीमेट है यार, बहुत मज़ा आ जाता है इस ब्रेक डांस के अंदर। जो भी बैठता है मतलब एक बार को तो याद करता है कि हाँ भाई हमने कोई राइड यहाँ पर की थी, तो वो आप देख सकते हैं भाई कितनी अल्टीमेट है यार। क्योंकि मैं ब्रेक डांस में हमारे यहाँ जब लोकल में मेला भरता था तो बहुत अल्टीमेट यार, जब इसमें बैठते हैं तो मतलब चक्कर से भी आ जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप सब सामने देख सकते हैं कितना बड़ा हंडोला यहाँ पर लगा हुआ है, और इसमें जो लाइटें लगी हुई है हरी लाल पीली मतलब सभी तरह की इसमें मल्टी लेवल की लाइट्स लगी हुई हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है मेला, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ये हंडोला वो आप इस देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी मतलब भीड़ हो रही है, और इधर आप देख सकते हैं जैन छोले भटूरे। अगर मैं खाने की बात करूँ तो यहाँ पर खाने की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये जैन छोले भटूरे, जैन सुपर सॉफ्टी चाउमीन, एंड ये है कैंडी पाव भाजी आप देख सकते हैं भाई। मतलब खाने का भी यहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम है, अगर मैं खाने की बात करूँ तो खाने का भी है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, आप खा सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर खाना कर सकते हैं, प्रॉपर जंक फूड यहाँ पर आप खा सकते हैं, प्रॉपर चाइनीज़ फूड यहाँ पर आप खा सकते हैं, वो बहुत अल्टीमेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई दालें, बॉम्बे चौपाटी की भेलपुरी आप देख सकते हैं भाई, ये है बॉम्बे चौपाटी, ये आप देख सकते हैं भाई कितनी अल्टीमेट तरीके से इन्होंने बनाई, वाओ। ये भेलपुरी है भाई बहुत अल्टीमेट है, खाने में बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैंने कभी खाई है बहुत पहले जब मैं मुंबई गया था, एक बार मैंने खाई थी। लेकिन अभी हम आपको पहले मेला विज़िट करा दें, उसके बाद हम इनके अंदर झूलेंगे भी और साथ में कुछ खाए पिएंगे भी, देखते हैं। अभी पहला एक बार थोड़ा हम आपको मेला विज़िट करा देते हैं कि मेले में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। आप मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि हमें एक बार यहाँ पर विज़िट करना चाहिए तो आप विज़िट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब एक मेला परे लगा हुआ है, उसमें भी हम अब जाते हैं क्योंकि बराबर बराबर यहाँ पर दो मेले लगे हुए हैं, तो अब चलते हैं पल्ले मेले की ओर। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के लिए यहाँ पर एक वाटर बोटिंग यहाँ पर है, जिसमें दो बच्चे बैठ करके अपने खुद के पैरों से इसके अंदर बोटिंग चला सकते हैं, वो आप देख सकते हैं भाई सामने दो बच्चे चला भी रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से आप कितना मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये, बच्ची स्पोर्ट्स राइड है बच्चों के लिए, बहुत अच्छी है। अगर आप भी मतलब अपने बच्चों को लेकर आ रहे हो तो भाई आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी स्पोर्ट्स राइड है यहाँ पर, वाओ। कुछ बच्चे डर जाते हैं और कुछ बच्चे इसको जेल जाते हैं, ओ वाओ। आप देख सकते हैं भूत बंगला, माय गॉड भाई इसके अंदर अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। जब मैं एक बार कभी मेरा याद है मैं भूत बंगले में आया था, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर भूत बंगला जब यहाँ पर आया था, तो यह होता है कि कुछ कुछ ड्रावनी चीज़ यहाँ पर होती हैं, तो आप देख सकते हैं मैं भूत बंगला, वाओ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भूत बंगला। अब हम चलते हैं दूसरे मेले की ओर, जो दूसरा मेला है, अब हम चलते हैं दूसरे मेले की ओर, जो दूसरा मेला यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि बराबर बराबर दो मेले लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप पान देख सकते हैं भाई, जो पान के शौकीन हैं आप पान देख सकते हैं यहाँ पर, ये फायर वाला पान है ना, ये आप देख सकते हैं भाई पान कितना अल्टीमेट लग रहा है यार। ये पान है फायर वाला, मैंने पान फायर वाला खा रखा है, लेकिन हर जगह का अलग अलग जायका होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अल्टीमेट लग रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे, आगे आपको विज़िट करा देते हैं दूसरा मेला। यहाँ पर बराबर बराबर दो मेले हैं, ये आप देख सकते हैं भाई, मैं चलता हूँ दूसरे मेले की ओर। तो भाई यहाँ पर हमने दूसरे मेले में एंट्री ले ली है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो भाई मेले को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और काफ़ी मतलब यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है। पल्ले मेले से अगर मैं इस मेले को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पर देख सकते हैं भूत बंगला, और यहाँ पर तो बहुत भीड़ है उससे ज़्यादा, और यहाँ पर बहुत सारे हंडोले हैं। मैं आपको पल्ली साइड से हंडोले एक बार विज़िट करा देता हूँ, पहले मैं आपको इस वाली साइड दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूत बंगला है, और इसके बाद यहाँ पर एक है ये एक दूसरी राइड है यहाँ पर, ये भी बहुत अल्टीमेट राइड है यार। अगर जो आपने मतलब राइड इस वाली राइड में विज़िट किया होगा तो एक बार मेरे को कमेंट्स बताना भाई इसको विज़िट करने के बाद, मतलब इसमें राइड करने के बाद आपको कैसा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी शुरू नहीं हुई है, अभी शुरू होने वाली है। तो अब मैं चलता हूँ आगे, वाओ ये बहुत अल्टीमेट राइड है यार, ये इस राइड को मतलब मैं करना चाहता था, और कोशिश करूँगा मैं इस राइड को मतलब करने की, क्योंकि ये राइड बहुत अल्टीमेट है। आप देख सकते हैं भाई ये ऊपर बिजली से चल रही हुई है, और यहाँ पर किसी भी तरह ये फ्री होती है, मतलब
फ्री इन द सेंस कि आप किसी भी तरह गाड़ी यहाँ से मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के टक्कर मार सकते हैं, जिस तरह की आप इस वीडियो में देख रहे होंगे किस तरह से मतलब बच्चे इसको चला रहे हैं। और ये देख सकते हैं दो बच्चे भी वीडियो इसको गाड़ी को चला रहे हैं, मतलब एक फील आता है कि हाँ हम नॉर्मली गाड़ी चला रहे हैं। और आप ऊपर देख सकते हैं ये है तारों में टच है और वहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद ये इसको हम वर्क कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाओ बहुत अल्टीमेट है यार। तो मैं आपको और भी राइड में आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जो और राइड हैं। उसके बराबर में एक राइड और है, ये है ब्रेक डांस, और ब्रेक डांस अभी शुरू नहीं हुआ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई इसको राइड को लेने के लिए यहाँ पर कितनी लाइन लगी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं भाई। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक डांस, यहाँ पर ब्रेक डांस है भाई, लोग इसके अंदर झूल करके बड़ा आनंद लेते हैं। और यहाँ पर तो मतलब बच्चों और बड़े के लिए दोनों के लिए यहाँ पर ब्रेक डांस, ये भी बहुत अल्टीमेट है यार। ये उस वाले मेले में भी थी जो हमने पहले आपको राइड कराया, और इस वाले मेले में भी है। ये आप देख सकते हैं भाई बच्चे कितनी तेज़ी से इसके अंदर शोर मचा रहे हैं, वाओ मतलब फुल आनंद ले रहे हैं बच्चे इसके अंदर। तो बहुत अच्छा लगता है यार इस तरह की, मतलब हर चीज़ का एक समय होता है राइड वगैरह करने का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ शूटिंग चल रही है बंदूकों की। और इसकी बराबर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है मिकी माउस, जिसमें छोटे छोटे बच्चे झूल रहे हैं, वाओ ये आप देख सकते हैं भाई छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इसके अंदर झूल रहे हैं, वाओ ये आप देख सकते हैं भाई छोटे छोटे बच्चे इसके अंदर झूल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक छोटा एक माहौल क्रिएट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई प्रॉपर एक यहाँ पर पूरा मिकी माउस था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और राइड है जिसको लोग आनंद ले रहे हैं, अभी चली नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरी राइड की ओर, यहाँ पर देख सकते हैं एक हंडोला लगा हुआ है जो कि थोड़ा सा लैटिट्यूडनल में है, ये बहुत अल्टीमेट है। आप देख सकते हैं भाई बहुत मज़ा आता है इस वाले हंडोले में बैठ करके झूलने में, बहुत अच्छा लगता है यार। अभी चला नहीं है, हम वेट कर रहे हैं इसका किस तरह से ये चल जाए। तो ये देख सकते हैं भाई कितना फ्री है ये, मतलब एक झूले की तरह है ये, जिस तरह से झूला है उस तरह से ये प्रॉपर एक बनाया गया हुआ है, इसको डिज़ाइन किया हुआ है। और ऊपर इस पर बटरफ्लाई लगाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं किस तरह से इसके अंदर एक बटरफ्लाई लगाई हुई है, एक प्रॉपर इसके अंदर एक झूला टाइप का इसको बनाया हुआ है। और अब ये जा रहे हैं लोग ऊपर, ये देख सकते हैं भाई हंडोला चल चुका है और कितना अच्छा लग रहा है यार चलते हुए, ऊपर बटरफ्लाई नीचे झूला, ये बहुत अल्टीमेट है। आप देख सकते हैं भाई किस तरह से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वाओ कितना अल्टीमेट है यार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई खाने का भी प्रॉपर यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि भाई मेले में राइड करते हैं तो खाने की तो बात ऐसी है कि भूख लगी जाती है, चाहे हम मेले में जा रहे हों या नॉर्मल मार्केट में जा रहे हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोले भटूरे चाउमीन वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं भाई ये दुकानें हैं जहाँ पर हम अपने मनपसंद फ़ोटो खिंचवा सकते हैं DSLR कैमरे से, जैसा यहाँ पर कुछ चांद तारा बना हुआ है, कुछ शेर बैठा हुआ है, कुछ झूले लगे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फ़ोटो वोटा लोग खिंचवाते हैं। तो अब मैं आपको और विज़िट कराता हूँ, अभी मेला बहुत बड़ा है, अभी मेला ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किश्ती, ये यहाँ पर एक राइड है, ये है हथौड़ा राइड, ये भाई पूरा हथौड़ी की शेप में है, ठीक है पूरा हथौड़ी की शेप में है, और ये ऊपर जाता है और ये उल्टा भी हो जाता है भाई, ये पूरा आप देख सकते हैं भाई। अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि भाई कि कब ये चले और कब मैं आपको इसका दिखाऊं प्रॉपर तरीके से। ये है पूरा हथौड़ा राइड, हथौड़े जैसी शेप में है, तो मैं आपको इसका अभी दिखा देता हूँ कि भाई ये कैसी राइड है। एक बार मैं इसमें झूला था तो मुझे क्या था कि मैंने झूलने से पहले मैंने ना खाना खाया हुआ था, तो मतलब मुझे ऊपर जब मैं गया ऊपर तो बहुत मतलब उल्टी टाइप की मेरे को होने लगी थी, वोमिटिंग टाइप की मेरे को होने लगी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई अभी ये स्टार्ट होने वाला है और धीरे धीरे ऊपर जाने लग रहा है, वाओ बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक एक्सपीरियंस लेना है तो भाई इस झूले से यहाँ पर आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, ये बहुत अल्टीमेट झूला है। ये आप देख सकते हैं भाई धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ये हथौड़ा हंडोला, ये देखो कितनी ऊपर चला गया है। और आप देख सकते हैं भाई ये ना पूरा उल्टा होने वाला है यार, ये पूरा मतलब जो इसमें लोग बैठे हैं बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं वाओ यार ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए आप लोगों को, ये बहुत अल्टीमेट राइड है, बहुत मतलब यादगार लाइफ है, मतलब यादगार राइड है, क्योंकि मैंने करी थी तो मेरे अब से 2-3 साल पहले मैंने इसी मेले में करी थी लाल किले के, लेकिन मुझे आज भी याद है कि हाँ मैंने वो राइड किया था। आप देख सकते हैं भाई ये पूरा हथौड़ा जो है वो पूरा घूम जाएगा, ओ माय गॉड, इसके अंदर जो इस वक्त राइड कर रहे हैं मतलब जो इसको एंजॉय कर रहे हैं उनके लिए तो ये राइड यादगार बन जाएगी। और ये अब देख सकते हैं भाई वाओ माय गॉड, भाई साहब ये बहुत अल्टीमेट है यार, ऑलमोस्ट मतलब ऊपर पहुंचने वाली है, जब उल्टी होगी मतलब ये प्रॉपर
अपोजिट हो जाएगी बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं ऊपर पहुंचने लग रहे हैं धीरे धीरे। ओ माय गॉड, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, इस वक्त शायद इस बार कवर हो जाए। ये देख सकते हैं, नो, अभी कवर नहीं हुई है, शायद नेक्स्ट वाली में कवर हो जाए। ओ भाई साहब, ऑलमोस्ट मतलब वहाँ पर पहुँच चुकी है, रह गई है, फिर से रह गई है। भाई ये वाली जो राइड है, एक बार इसको मिस मत करना यार। अगर जो आपको कहीं भी मतलब झूलने को मिले ये वाली राइड, तो आप इसको मिस मत करना। आप देख सकते हैं भाई, मैं अगर दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करूँ तो इसको ये कुछ ऐसे दिख रही है यहाँ से। थोड़ी सी रह गई है। आप देख सकते हैं भाई, ये पूरी घूमने वाली है। ये आप देख सकते हैं भाई, बस शायद अगले चक्कर में ये पूरी ना हो जाए, और अगले चक्कर में शायद ये, मुझे लगता है कि अगले चक्कर में शायद उल्टी घूम जाएगी, मतलब पूरा चक्कर ले लेगी 90 डिग्री, मतलब 360 डिग्री का, क्योंकि अभी तक डिग्री आप देख सकते हैं यहाँ पर 360 डिग्री पूरा घूमने वाला है। ओ वाओ, थोड़ा सा रह गया, लेकिन इस बार उम्मीद मुझे लग रही है कि शायद ये 360 घूम जाए। आप देख सकते हैं भाई, ओ माय गॉड, थोड़ी सी रह गई है इस बार भी 360 नहीं, मतलब होप 360 डिग्री पे नहीं जा पाया, और शायद नेक्स्ट वाली में मेरे को उम्मीद है कि चला जाए ये। ओ माय गॉड, थोड़ा सा रह गया बस। ये देख सकते हैं भाई, इस वाली राइड में भी नहीं गया, हाफ लगभग हाफ से भी थोड़ा कम पहुँच चुका था, लेकिन अभी नहीं पहुंचा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, हाफ से ओ माय गॉड भाई, अल्टीमेट यार, ये क्या एक्सपीरियंस है यार, ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए भाई साहब। 360 एंगल पर कोई चीज़ चलना, एकदम उसके अंदर उल्टे हो जाना, तो ये बहुत बड़ी, मतलब एक कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती ये वाली राइड, और कुछ लोगों को बर्दाश्त हो जाती है, मतलब कुछ लोगों को मज़ा आ जाता है इस वाली राइड में। लेकिन अभी आप यहाँ पर और देख सकते हैं भाई, मेले में कितनी चहल पहल है, और काफ़ी लोग, क्योंकि उस वाले मेले से जो हमने पहले दिखाया था, उस वाले मेले से इस वाले मेले में ज़्यादा भीड़ है, इसमें स्पेस भी ज़्यादा है, और राइड भी यहाँ पर ज़्यादा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, कितनी बड़ी किस्ती यहाँ पर लगी हुई है। वाओ, अल्टीमेट भाई, अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू होने वाली है ये भी, वो आप देख सकते हैं भाई। और आप हंडोला देख सकते हैं भाई, कितना बड़ा हंडोला है। वाओ, अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट, ये आप देख सकते हैं भाई यार, इसमें मतलब कभी एक टाइम था जब हम इन सब बड़े हंडोलों में, मतलब हम विज़िट करते थे, मतलब झूलते थे, लेकिन अब ये है कि जब से मतलब कॉलेज वगैरह संभाला है, कॉलेज कंप्लीट हुआ है, जॉब वगैरह करने लगे हैं, तो मतलब इन राइड्स, मतलब अब मन नहीं करता यार इन सब चीज़ों में, अब तो सिर्फ देखना अच्छा लगता है, और जो अपने छोटे भाई हैं उनको विज़िट कराना अच्छा लगता है, अब खुद से झूलना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जुनेद भाई बैठे हुए हैं, भाई साहब इतने दूर आकर के बैठे हैं। कोई खास वजह यहाँ बैठने की? यहाँ पे बैठने की खास वजह यह है, इसने एक हंडोले में झुलवा दिया भाई, चक्कर आ गए। हाँ, मैं दिल्ली के मेले में फर्स्ट टाइम आया हूँ, उससे पहले वीडियोस वगैरह में ही देखता था, ऐसा लग रहा है बहुत गरम सा। नहीं, मैंने ये वाला देखा, मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला कि इधर भी कोई मेला है।